सोलापुर आशा सेविका की तरफ से पिछले 7 दिनों से आंदोलन जारी है। आज इस आंदोलन का 7वां दिन शुरू है, जिनकी मांगों को लेकर आज तक सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इस आंदोलन में शामिल सोलापुर शहर के माजी अमादार एडम मास्टर, इनके साथ हजारों की तादाद में सेविका को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुशीनगर जनपद अंतर्गत विकास खंड नेबुआ नोरंगिया के ग्राम सभा से कुई में स्थित प्राथमिक विद्यालय में बनी 2.5 वर्ष पूर्व आंगनबाड़ी केंद्र हैंड ओवर करने के बजाय अब टूटने लगी है। आंगनबाड़ी केंद्र की गुणवत्ता को लेकर बात करें तो केंद्र अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। बता दें कि आंगनबाड़ी केंद्र को ग्राम प्रधान प्रतिनिधि द्वारा घोर अनियमितता करके बनाया गया है, जो संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में है, लेकिन लीपा पोती होने के कारण वहां की हालत आज भी बद से बदतर है। इसमें नित्य हमारे गांव में अभी तक 70 शौचालय अभी तक नहीं बने हैं। जो मैंने सेक्रेटरी को 4 बार आधार कार्ड का फोटो कापी मैंने दिया है, वीडियो से डायरेक्ट मैंने बात भी किया 8-9 बार, जो रविंदर प्रसाद यहाँ के शौचालय के जो इतनी हैं अधिकारी हैं उनको भी मैंने 2 बार दिया है। तो क्या कहे वो? और कह रहे हैं कि एम आई एस हो रहा है, आज 1 साल से ऊपर हो गया, MIS नहीं हो रहा है। अच्छा, क्या इसकी गुणवत्ता क्या है? सिर्फ बालू लगा हुआ है इसमें, जहाँ से हमारी खरोचोई से बालू आ रहा है। मान लीजिए 2.5 साल का दिन हो गया, अभी तक इसमें जंगला फाटक अभी जो भी चीज़ है अभी तक नहीं लगा सर इसमें। अच्छा, ये बताइए क्या ये हैंडओवर करने से पहले ही जब ये टूटने लगी है जी, तो क्या हैंडओवर करते करते या टूट जाएगी? हाँ, क्या विचार है आपका? ये इसमें अभी तो अभी 2.5 साल बने हुए हो गया, सारा का सारा आधा इसमें ध्वस्त हो गया है। भेजे हैं कि आधा पैसा सेक्रेटरी दे दें और आधा पैसा ग्राम प्रधान दे दें। इसमें बताइए जो इसमें जब खामियां उजागर की गई, अनियमितता पाई गई, इसमें पहले FIR होना चाहिए ना। इसमें FIR होना चाहिए। FIR नहीं हुई अभी तक, FIR नहीं हुआ। जिसमें इसमें स्वामी प्रसाद मौर्या जी का भी लेटर लगा हुआ है, वो भी लिखे हैं कि जो भी खामियां उजागर हो रही है उसके जांच सही से करके इसमें FIR को दर्ज करवाया जाए। जिसमें मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने 19 बार IGRS किया है, आप लोग देख लीजिए सर। 19 बार आपने IGRS कर दिया, उसके बावजूद भी जो है कोई कार्रवाई नहीं? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, मैंने 19 बार किया है इसमें। और कई बार मैंने पेपर में गजट भी करवाया है, उसको भी मैंने मुख्यमंत्री महोदय को भी भेजा, जिसमें हमारे वहाँ ग्राम प्रधान के नाम से देखिए ये अंत्योदय कार्ड है। यहाँ के ग्राम करमदानी देवी 10 साल से इन्होंने राशन खा रहे हैं। मैंने इनको कई बार शिकायत लिखित पत्र में भी दिया है, जो यहाँ के इंस्पेक्टर हैं उनको भी दिया है। उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं? नहीं, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। मैंने असूली का मनो किया है कि जितने 2010 से लेकर आज तक जितने राशन खाए असूली किया जाए, तो उन्होंने असूली तो ढेर, अभी तक उसका राशन कार्ड नहीं कटा है। अभी राशन कार्ड नहीं, और उनके परिवार में ये सुदर्शन प्रसाद के हैं, उनके बड़े लड़के का है, और जो उनके पिताजी मर गए हैं श्री स्वर्गीय अयोध्या प्रसाद, उनके नाम से आज भी जो पेंशन मिलता है मरने के बावजूद भी वो पेंशन खा रहे हैं। मामला फिरोजाबाद के कस्बा मखनपुर से सामने आया है, जहां एक तरफ सरकार स्वच्छ भारत मिशन चला रही है, तो वहीं कस्बा मखनपुर में इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। मखनपुर में नगला तुर्किया में अशोक पुत्र सत्तन के प्लाट में लगा है गंदगी का अंबार। आसपास के लोगों ने बहुत बार इस प्लाट स्वामी के खिलाफ शिकायत भी की, और बाउंड्री या बनवाने की शिकायत को लेकर उनकी तरफ से नहीं हो रही कोई भी सुनवाई, बल्कि उन्हें उल्टा जवाब देकर गली की ओर आसपास के लोगों को भगा दिया जाता है, जिस कारण गंदगी से यहां बीमारियां फैल रही हैं। मामला है भाई यहां का? यहां इस गली के अंदर गंदगी वगैरह बहुत पड़ रही है, और किसी से कहते हैं पड़ोसी ये कूड़े कूड़ा डालने की, तो वो कहते हैं आपका प्लाट चोरी है। अब उस प्लाट वालों से बोलते हैं कि भाई से आप बाउंड्री वोड्री कुछ भी करा लो, ये सब मैंने कोई सुनवाई नहीं 4 साल हुई। कुत्ता बिल्ली यहीं मार मार के फेंक डाल जाते, और मच्छर गंदगी बच्चे बीमार हो रहे हैं। अच्छा, प्लॉट स्वामी पर कभी गए थे अभी आप इसे कहने के लिए? कई बार गए साहब, लोग कह देते हैं 4 साल हो गई, लोग कह देते हैं कि अब हम उसे बाउंड्री कराएँ 4 साल हो गई कोई सुनवाई भी नहीं करी। क्या मामला है भाई यहाँ का? यहाँ भाई ये मामला गंदगी बहुत है,
गली में बीमारियां हो रही हैं ना अपना, कूड़ा कचरा सब नहीं डाला जाता है और बहुत समय से शिकायत हो रही है इसकी। अच्छा, आपने जो 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 प्लॉट स्वामी का जिसका जो प्लॉट है उससे कहीं शिकायत की आपने? एक दो तीन मरतबा उससे शिकायत करी है, वो उस पर कोई सुनवाई नहीं करता, वो भगा देता है सबको। ऐसी के 4-5 साल से ऐसी कहते वो चला रहा है वो, इसके वो जो गंदगी से इतनी बीमारी है, बच्चे बीमार हो रहे हैं मोहल्ले में, इतनी गंदगी कर रखी है। अच्छा, इसकी कहीं शिकायत दी हो आपने कहीं दी? इससे पहले कहीं शिकायत नहीं दी साहब, चाहे प्लॉट स्वामी से बोला है गाली, प्लॉट स्वामी से कहा था इस बात के बारे में और उसने कोई सुनवाई नहीं करी इसके बारे में। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक दबंग दरोगा की दबंगई देखने को मिली। दरोगा ने वर्दी के नशे में एक कार शोरूम के सर्विस मैनेजर की जमकर लात घूसों से पिटाई कर डाली। इतना ही नहीं, दरोगा मैनेजर को पीटते हुए बाहर ले गया। दरोगा की दबंगई का सारा नजारा शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। शोरूम में उसकी मारपीट की है, पूरा मामला क्या है और एक वीडियो है। थाना सीवीगंज क्षेत्र में हुंडई कार के शोरूम में पुलिस कर्मी द्वारा बेहतर मारपीट की घटना प्रकाश में आई है। संबंधित प्रकरण में वीडियो फुटेज भी मिला है, उस वीडियो फुटेज का अवलोकन करने के उपरांत तत्काल प्रभाव से संबंधित सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है, उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रचलित है। हुंडई कार के लोग उन्होंने एफआईआर के लिए भी तहरीर दी है, क्या एफआईआर भी दर्ज की गई? अभी इसके बारे में हमारे पास कोई तहरीर नहीं आई है, जो उन्होंने हमारे पास विभिन्न माध्यमों से जो सूचना आई थी उसमें इसकी वीडियो फुटेज जो हमारे पास मिली थी उस पे संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित कर दिया गया, विभागीय कार्रवाई प्रचलित। क्या क्या कारण क्या रहा था सर, क्या इसके पीछे लगा? अब जो जांच मैंने बताई है कि जिसमें जांच ऑलरेडी गठित की गई है, क्योंकि जो सब इंस्पेक्टर हैं उनके द्वारा भी कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं और ये फुटेज भी है, तो संबंधित चीजें जाँच में स्पष्ट हो जाएंगी। कुछ ट्रैफिक पुलिस वालों द्वारा ट्रैफिक। आज जयपुर के श्योपुर जैन मंदिर सांगानेरा संभाग में एक भव्य सजीव झांकी वात्सल्य रत्नाकर आचार्य 108 विमल सागर जी महाराज के जीवन पर लगाई गई। झांकी मुख्य संयोजक दीपेश जैन ने बताया कि जैन समाजों को चतुर्मास कर रही पूज्य गणनी आर्य का 105 भरतेश्वर मती माता जी संख्या सानिध्य प्राप्त हुआ और झांकी को देखने के लिए जयपुर जैन समाज के हजारों लोग आए थे। सर जी, मंदिर है, आज क्या प्रोग्राम होने जा रहा है इसके अंदर और ये कब से मंदिर की शुरुआत हुई है और कितना पुराना है और क्या मान्यता वगैरह है जरा बताओगे? जय जिनेन, आप अभी इस वक्त श्योपुर जैन मंदिर जो कि प्रताप नगर सांगानेर संभाग में है वहाँ पर हैं। यहाँ पे जो मूलनायक भगवान है श्री 1008 चंद्र प्रभु भगवान है, यह मंदिर काफी पुराना है। सांगानेर संभाग में यह मान्यता रही है कि इस मंदिर को कम से कम 800 से 900 साल पुराना यह मंदिर है, लेकिन समय के मार के कारण यह मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया, जिसका कुछ वर्षों पहले इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। इस मंदिर की मान्यता तो कई जगह विख्यात है, जैसे यहाँ पे अभिषेक के समय एक मोर नृत्य करता है और पहले यहाँ पे अभिषेक के समय एक नाग नागिन का जोड़ा भी आया करता था, रात के यहाँ झालर बजते थे, ऐसी कई चमत्कार यहाँ पे होते थे। मान्यता यहाँ पे इतनी है कि कोई भी भक्त यहाँ पे आता है, अपने मन में श्रद्धा भाव से मनोकामना रखता है तो वो सब पूर्ण हो जाती है। अभी यहाँ पे आर्य का भरतेश्वरमती माता जी का चातुर्मास चल रहा है और उनके सानिध्य में कई लोग यहाँ पे उपवास कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं और आप लोगों से निवेदन है कि हमारे इस मंदिर में आए, एक बार दर्शन करें। जय जिने। ये कब तक चलेगा? आज का है कि 10 लक्षण का महापर्व जैनियों का बहुत ही बड़ा त्योहार है, आज छठा दिन है और 4 दिन आगे 10 लक्षण जी के और बचे, उसके बाद हमारा त्योहार जो कि क्षमावाणी के नाम से विख्यात है, वह क्षमावाणी पर्व के बाद यह 10 लक्षण जी का प्रोग्राम हमारा समाप्त हो जाएगा। थैंक यू। माता जी, इस मंदिर के बारे में थोड़ा आप बताओगे संक्षेप में? चंद्र प्रभु भगवान जय। यहाँ पर ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, ये भगवान चंद्र प्रभु का और हमारे चंद्र भगवान 8वें नंबर के तीर्थंकर हुए हैं और जो भी चंद्र प्रभु की आराधना करता है वो बहुत ही जीवन में शांति और सफलता को प्राप्त होता है। ये जो मंदिर है हमारा जो बहुत प्राचीन, और बताते हैं कि इस मंदिर की बहुत ही मतलब चमत्कार है कि जब ये मंदिर छोटा था और खुला था तब एक जो मयूर जो पक्षी है
को जोड़ा यहाँ के रूप प्रातः रोज आकर दर्शन करता था और वो आज जोड़ा भी नहीं दिखता क्योंकि मंदिर क्या बंद हो गया है इसकी वजह से नहीं आता, लेकिन फिर भी पक्षी वहाँ पर आते हैं, बैठते और दर्शन करते हैं। इस बात को कितने वर्ष हो गए मंदिर को बने तो 25-21 वर्ष हो गए और हम लोग कभी पहली बार हमने दर्शन किए यहाँ पर और पहली बार आए भगवान का इतना चमत्कार हुआ कि हमारे यहाँ आते से यहाँ पे चतुर्मास का फाइनल कर दिया भगवान ने, ऐसा कि आपको चतुर्मास यही करना है ये आदेश मिल गया तो हमने यहाँ चतुर्मास किया है और प्रभु के दर्शन करने से ऐसा लगता है मन में बहुत शांति होती है और बहुत ही चमत्कार होता है मंदिर में, जो भी अपने मन की कामना करते हैं वो पूरी होती है। जो श्रद्धालु आते हैं उनकी मनोकामना भी पूरी होती है, मनोकामना पूरी होती है। थैंक यू। ग्वालियर के एयरपोर्ट पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की आगवानी करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री को अंदर जाने से रोक दिया गया। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सुरक्षाकर्मी, सीआईएसएफ के जवान पर भड़क पड़े। इस दौरान गेट पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद नहीं था और उसके बाद मंत्री जी को शांत होकर अंदर चलने को कहा गया। मंत्री को यहाँ पे चिल्लाना पड़ा, हंगामा करना पड़ा, तो क्या स्थिति है? मैं क्या, मैं सब अंदर जाने को लेकर कई कांग्रेसी नाराज हुए, डीसीसी ने कोई सही लिस्ट नहीं बनाई है। एक्चुअली मुझे जानकारी नहीं है, मैं तो सीधा गांव से आ रहा था, मैंने ये भी नहीं देख पाया लिस्ट किसके द्वारा बनाई गई थी। जहाँ तक मेरा अंदाज है अभी तक जो लिस्टें बनती रही हैं तो कायदे से जो हमारा डीसीसी प्रेसिडेंट है उसके हिसाब से बनती है। इस बार की मेरी जानकारी मिली है किसके किसने बनाई, कैसे बनी, कितने लोग रह गए, कितने नहीं रह गए। यदि अव्यवस्था हुई है तो आगे के लिए इसको हम खुद मॉनिटरिंग करेंगे, खुद देखेंगे। क्या इस तरह से होना चाहिए क्योंकि कई आपके वरिष्ठ लोग बाहर रह गए और मैं आपकी बात से सहमत हूँ, वरिष्ठ लोगों को बाहर नहीं रहना चाहिए। स्वामी चिन्मयानंद प्रकरण में आज पीड़ित व उसके पिता ने जिला प्रशासन व डीएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है व जिला प्रशासन स्वामी चिन्मयानंद के दबाव में काम कर रहा है। एक एक लोग क्वेश्चन पूछिए, ठीक है? क्या आरोप है आपका? कल मैं एसआईटी गई थी, वहाँ मेरे बलात्कार की रिपोर्ट के बारे में मैंने सब कुछ बताया जो कि मैं 0 एफआईआर दिल्ली में कर चुकी हूँ। उसका मुकदमा अभी यूपी में नहीं लिखा गया है, शाहजहांपुर यूपी में नहीं लिखा गया है। 376 मेरी कायम नहीं करी जा रही है यहाँ शाहजहांपुर के अंदर। क्या आरोप है चिन्मयानंद के ऊपर? उन्होंने मेरा बलात्कार किया है, शारीरिक शोषण 1 साल तक करते आए हैं, बाकी मैं सब वहाँ कल बता चुकी हूँ एसआईटी में। एसआईटी आपसे उत्पीड़न कर रही है, ऐसी बात भी आ रही सामने कि आपसे ज्यादा पूछताछ की जा रही है? देखिए, मेरी जिस लड़की का साल भर शोषण हो गया उसको 11 घंटे बैठा के पूछताछ करी गई है, मुझे कोई परेशानी नहीं है किसी भी तरीके के सवाल जवाब में, लेकिन जो आरोपी है उसको तो गिरफ्तार किया जाए। मैं इतने दिनों से जान बचाए बचाए घूम रही थी, यहाँ शाहजहांपुर के डीएम ने मेरे पापा को धमकी दी कि आप देख लीजिए कि आप किसके खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं। जब आप बाहर थी तो आपने पुलिस की मदद क्यों नहीं? यूपी पुलिस से खतरा है बस, इसलिए मुझे दिल्ली में 0 एफआईआर करवानी पड़ी। आप दिल्ली में रहिए, राजस्थान में रहिए, तो वहाँ आपने शिकायत क्यों नहीं की पुलिस से? बात करी थी कलकत्ता बोर्ड में। क्या कुछ एविडेंस भी आपने सौंपे हैं? एविडेंस सही समय आने पर दे दिए जाएंगे, मेरे पास सब सुरक्षित हैं हॉस्टल के रूम में। सुप्रीम कोर्ट ने कोई एविडेंस दिया है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस से जो आपकी मुलाकात हुई थी तो आपने उनको कुछ एविडेंसेस दिखाए थे, दिए थे? उस बारे में आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। दिल्ली में क्या कुछ शिकायत की आपने? दिल्ली में हुई है, कड़कड़डूमा कोर्ट है वहाँ पे हुई है 376। दिल्ली में कौन से थाने मुकदमा दर्ज कराया है? लोधी कॉलोनी है, लोधी कॉलोनी। अच्छा, जो आपके पिताजी ने एफआईआर कराई थी अपहरण की, क्या अपहरण जैसी बात की कोई? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं। यूपी पुलिस आपकी क्यों रिपोर्ट नहीं लिख रही है? खुद स्वामी चिन्मयानंद के शब्द है कि शाहजहांपुर मेरा लॉ कॉलेज, हर साल कितने वकील यहाँ से पढ़ के निकलते हैं, कानून व्यवस्था पूरी उनकी है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। मुझे शाहजहांपुर और यूपी, बस आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि मेरा आप लोग यहाँ पे 376 का मुकदमा प्लीज लिखवाइए। क्या वो वीडियो आपने बनाया था या किसी और ने बनाया था आपका, जो आपने वायरल किया था? कौन सा फेसबुक वाला? जी, तो मैंने अपने फैमिली की सेफ्टी के लिए करा था। कुछ और वीडियो भी बाहर आने की बात आ रही है, इसमें कितनी सत्यता है? I don't know anything about this. अच्छा, स्वामी की तरफ से कोई दबाव पड़ रहा है स्वामी? आईडी पर कॉल। मेरे पास कोई फोन नहीं है इस टाइम, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, मुझे कुछ नहीं कहना बस इस बारे में। आप लोग इतना करिए कि 376 का मुकदमा इस थाने में करवाइए, 0 एफआईआर का कोई फायदा नहीं हो रहा, मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ, आप लोग खुद समझ रहे हैं इस चीज को।
मेरे पापा को धमकी दी है यहाँ के डीएम ने, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई ना। मेरा भागना, मेरी जान बचाना कई हद तक तो सब सही है ना, आप लोग खुद देख रहे हैं इस चीज को। तो ये धमकी वाली नौबत आखिर आई क्यों आपके साथ? एक साथ मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगी, आप न्याय की कितनी उम्मीद है आपको? कितनी बार न्याय की? ये बताइए कि अच्छा स्वामी जी ने आपको कोई धमकी दी है क्या? स्वामी जी ने धमकी दी आपको? हाँ, मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने। स्वामी जी ने जिस दिन एक्सटॉर्शन की एफआईआर कराई थी उसके अगले ही दिन आपने वीडियो पे वायरल किया।